अंडरस्टैंडिंग मैचिंग मैच होनी चाहिए। लंबी लड़की को क्या ही फर्क पड़ता है? क्यों नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। मुझे हाइट पसंद है यार, मुझे ऊंचाइयाँ पसंद है। जॉब इंटरव्यू है सिलेक्शन के लिए तो जान ही रहे हो कि हाइट देख करके तुम कुछ करोगे। अच्छी बात है, लंबी लड़की है आपसे लंबी है। हाँ तो हो, उसमें क्या दिक्कत है? क्या आप अपने से लंबी हाइट वाली लड़की को डेट करेंगे? ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ट्राई कर सकते हैं। नो सॉरी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे से बड़ी होगी तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा, इफ शी अग्रीज। हाँ जरूर, कोई भी चलेगी, छोटी बड़ी हो, कोई सी भी हो चलेगी, बिल्कुल ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल, डिपेंड करता है कि सामने वाले में कितना पोटेंशियल है। डेफिनेटली आई थिंक हाइट मैटर नहीं करता, आई थिंक व्हाट यू फील इन द मोमेंट, वेदर यू आर कंपैटिबल और नॉट, दैट एक्चुअली मैटर्स, राइट? अंडरस्टैंडिंग मैचिंग मैच होनी चाहिए। लंबी लड़की को क्या ही फर्क पड़ता है? क्यों नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। मुझे हाइट पसंद है यार, मुझे ऊंचाइयाँ पसंद है। कि दद्दा को लेने में तकलीफ होती होगी तो सीढ़ी लगाते हैं। मिर्ज़ापुर की फेमस डायलॉग नहीं सुना है? यस ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, बट मन नहीं है मेरा। कर तो लूँगा लेकिन मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। क्यों नहीं चलेगी ये बताओ? आई थिंक मैच नहीं कर पाएगी हाइट, मतलब तो आई डोंट थिंक कुछ होगा। नहीं मतलब एक प्रेफरेंस होती है, पर्सनल प्रेफरेंस, क्योंकि मेरे से लंबी हो जाएगी ना वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। डेट करना एक अलग चीज़ है, अट्रैक्शन लड़की कैसी है डिपेंड करता है। मैं उसे पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे उसमें, सो देयर इज नो इशू। आई एम नोन टू बी अ गुड हगर, तो इसीलिए यू नो इट्स वेरी इजी टू हग अ स्मॉल गर्ल रादर देन अ 6 foot टॉल गर्ल, सो प्रॉब्ली फॉर दैट रीजंस आई वुडंट। यार हर क्यों का कोई ना जवाब नहीं होता है, पसंद है तो पसंद है यार। देखो क्या होता है कि आप बात ऊँचाई की नहीं है, बात है लड़की की, है ना। मेल और पुरुष बने ही इसलिए कि मेल को फीमेल अच्छी लगती है, फीमेल को मेल अच्छा लगता है। अब वो हाइट नाटी हो या ऊंची हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं, मतलब इन द सेंस कि भाई मोस्ट ऑफ द बॉयज आजकल सिंगल ही हैं तो मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। So it's not about height, it's about personality, it's about other things. There are too much things that I have, that one person will be looking into a girl. And it's, there is no issue with dating a taller. Achha. So, lambi ladki ko date karne mein koi aisi dikkat nahi hai, like sir. I don't think height doesn't matter when you are in a relationship. Date karne ke liye aap height ki zarurat thodi hogi. Achhi baat hai, lambi ladki hai. Aapse lambi hai. Haan to ho. Usme kya dikkat hai? Isse achhi height hogi to maybe she's applied for the Aerostress crew ban sakti hai wo. और भी काफ़ी सारे उसके लिए चांसेस आ जाएंगे, लाइक मॉडलिंग एंड लुक्स मैटर करते हैं मतलब आपके हिसाब से? लुक्स मैटर एक हद तक करते हैं ना यार, क्योंकि ये ज़्यादा आयरोनिकल होगा कि अगर मैं बोलूँ कि लुक्स मैटर करते हैं ज़्यादा, क्योंकि यार एक बंदे की पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए और केयरिंग वगैरह सब कुछ मैटर भी करता ही है। ना नॉट एट ऑल, मतलब इनिशियली इट स्टार्ट फ्रॉम द लुक्स, यू नो जब आप किसी लड़की को देखते हो। अगर लड़की आपसे लंबी है तो इमेजिन मैटर करते हैं, बट यार मतलब आपकी जो ड्रीम गर्ल समथिंग है उसके बारे में कुछ बताइए। अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में, ठीक है, लाइक अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम दोनों में कितना अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम दोनों कहीं जा रहे हैं, दोनों में इंटरेस्ट है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो भी मतलब बातचीत होती है। माई ड्रीम गर्ल वुड बी शॉर्ट गर्ल हु कम्स अप राइट हियर, क्यूटसी, थोड़ा पर्सनैलिटी होना चाहिए, ऐश्वर्या जैसे, आई गेस, या जेंजी की आलिया भट्ट, या सुंदर होनी चाहिए और थॉट्स प्रोसेस मिलना चाहिए अपने से, चलेगी भाई साहब, लंबी हो चाहे छोटी हो फर्क नहीं पड़ता। फिलोसफिकल लड़की मिलेगी तो ज़रूर चलेगा, चाहे लंबी हो चाहे छोटी। ओके, शी शुड बी वेरी जेन्युइन, राइट? मतलब हाँ, जेन्युइन होगी तो ठीक है, मतलब और कोई नहीं, बेसिक हो, हमारे साथ घुल मिल पाए, जो घर भी ले सकें, घर भी ले सकें, माँ बाप से भी मिला सकें और हमारे साथ पार्टी शार्टी भी कर सकें। ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर लंबी लड़कियों को जो ये वीडियो देख रही हैं? भाई किसी को भी डेट करो, बस तुम लाइक करते हो उसको, तुम्हारे लिए मैटर करती हो, वो सबसे बड़ी बात है। हाइट वाइट चल जाएगी जब तक वाइब मैच हो रही है। देखिए सभी से पर्सनल प्रेफरेंस होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की लड़की पसंद आएगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको लंबी से पसंद आएगी। छोटी या बड़ी लड़की मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ट्यूनिंग, आप उसके साथ कैसा फील करते हैं, और कहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, आपको कभी ये फील। ऑनेस्टली सो आई टेल यू वन थिंग, आई हैव अ लॉट ऑफ टॉल फ्रेंड्स, सो इन फ्रंट ऑफ देम मैं एक लिलीपुट जैसा दिखता हूँ, तो आई गेस फॉर देम देयर आर डूड्स
यू शुड नॉट बी वेरी ऑब्सेसिव कि तुम्हें लड़के लंबे ही लड़के चाहिए. आई थिंक छोटे लड़के भी काफ़ी अच्छे होते हैं. अपने गर्लफ्रेंड बनाया जैसे जो भी हो डेट करना है तो अपने हिसाब से मैं बताया जैसे कि लड़की अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे दिल को पसंद आए, मन अपने खुद को पसंद आ जाए. यार देखो लड़की लंबी हो छोटी हो बड़ी हो ऑलवेज रिस्पेक्ट द गर्ल है ना. और हाइट मैटर नहीं करती है, उनके थॉट और विचार मैटर करते हैं. आप कभी भी किसी से मुलाकात करें तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके उनके विचारों की रिस्पेक्ट करें. बी लॉयल बी जेन्युइन है ना. एंड अच्छा करो यार, अच्छा सोचो, बस दैट्स इट. यार हाइट से तो देखो मैटर करता नहीं है, तो यहाँ पे तुम किसी जॉब इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए तो जान ही रहे हो कि हाइट देख करके तुम कुछ करोगे, तो मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं अवेल करना चाहिए या ज़रूर करना चाहिए. ताकि भाई जिसके साथ वाइब मैच कर जाए, जिससे दिल लग जाए, करो प्यार. और जो अच्छी लग जाए उसको डेफिनेटली इजहार करो, बोलने से चूको मत. मन करता है तो बोल दो, जो होगा देखा जाएगा. जस्ट बी कॉन्फिडेंट, नथिंग नो प्रॉब्लम. यार देखो लाइक आई डोंट थिंक हाइट इज़ अ बिग फैक्टर इन डेटिंग समवन. So if you have a shorter guy, a taller guy, it doesn't matter. If you love that guy, if you like really that like that guy or girl, you should just go forward with it. ladka har cheez ke liye ready hai to fitega. ladkiyon ko compromise kyu karna, right?